10 दिन से छात्राओं का धरना जारी। जी हाँ, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीना दुरभ कर रखा है, तो वहीं बीते 10 दिनों से कृषि कानून के विरोध और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है, जिनके समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग और छात्र छात्राएं मौके पर पहुँच रहे हैं। स्कूली छात्राओं की माने तो कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों के अधिकार छीनने का केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं छात्राओं का समर्थन कर रही सुनीता बाजवा ने कहा कि उनके पति दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो वह बाजपुर में छात्राओं के धरना प्रदर्शन में भाग लेकर कृषि कानून का विरोध कर रही हैं। देखें बाजपुर से मोहम्मद सहीद की रिपोर्ट। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। हम 10 दिनों से यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं, उनके उस प्रोटेस्ट में हम यहाँ से उनका साथ दे रहे हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है, जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। हम जो किसान हैं उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ खामियां हैं बिलों में जो किसानों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप किसान जो बिल हैं, कृषि बिल हैं, आप उन्हें वापस ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। छात्राएँ इन्हें भी यहाँ कम से कम 10 दिन हो गए हैं किसानों के समर्थन में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे भी घर के मेंबर्स जो है दिल्ली में किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग भी गए हैं वहाँ पे। तो बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अपनी हठमिर्तव को छोड़ते हुए जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला ले, और जो ये तीन इन्होंने काले कानून उन पे ज़बरदस्ती थोपे गए हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए, उनकी मांगों को पूरा करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जल्द से जल्द इसमें फैसला लें, क्योंकि देखिए कई छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग कई दिनों से इतनी ठंड में और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं, और हमारी सरकार जो है वो इसको बहुत हल्के में ले रही है लगता है मुझे, जो कि उन्होंने अभी इसको हल्के में ना लेते हुए जल्द से जल्द सोचे उनके बारे में, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इतने ठंड में उनके लिए, उनके जान माल के, हमारे कितने किसान वहाँ पे अपने इस आंदोलन को की आहुति चढ़ गए हैं। तो अपनी हठमिर्ता को छोड़ते हुए जल्द से जल्द फैसला करें कानून, क्योंकि मुझे लगता है जो इन्होंने बिल पास किए हैं वो किसी भी तरीके से कृषि के लिए, उनके हित के लिए नहीं है। और जल्द से जल्द हमारी मांग है कि इस कानून को वापस करें। बस यही हमारा उनसे हुआ है। जय जवान जय किसान।